कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो लोग भूत प्रेत के ऊपर कभी विश्वास कर ही नहीं सकते या करना नहीं चाहते, वो लोग भी विश्वास करने लगते हैं। जैसा कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो बोलते हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज नहीं होती, उनकी कोई भी दुनिया नहीं होती। लेकिन आज की जो स्टोरी है ना, आप वो स्टोरी सुनोगे तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे कि कैसे एक घटना की वजह से एक इतने बड़े जाने माने डॉक्टर को मानना पड़ा कि हाँ भूत प्रेत होते हैं और सच में होते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताती हूँ। एक्चुअली ये जो घटना घटी थी मणिपुर नाम की जगह पे घटी थी, जो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, और इनका जो होम टाउन था वो मऊदाहा हमीरपुर में था। और ये जो इसके पापा थे मऊदाहा नाम के शहर में जहाँ पे रहते थे, वहाँ पे मणिपुर नाम की जगह पर ट्रेवल करते थे। मतलब उनके लाइफ का रोज का रूटीन था, वो सुबह सुबह ट्रेन से निकल जाते थे मऊदाहा से और पहुंचते थे मणिपुर, और उनका क्लिनिक वहीं पे था, वहीं पे बैठते थे, लोगों का ट्रीटमेंट करते थे और रात में अपने ट्रेन से वापस घर पे आ जाते थे। मतलब कभी भी उनको ऐसा ज्यादा टाइम नहीं होता था, मतलब 9-10 बजे तक अपने घर पे पहुंच ही जाते थे कैसे भी। ये जो घटना है बहुत कुछ साल पहले की होगी, जब वो रिटायर्ड नहीं हुआ, जब यंग थे वो टाइम की घटना है ये। तो क्या होता है कि एक दिन उनके हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो जाता है और उनके हॉस्पिटल से बुलावा आता है रात के लिए कि आपको रात में उस हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। तो ये सोचते हैं कि लास्ट ट्रेन हमारे यहाँ से जो है वो पकड़ूंगा, तो मैं रात के 1-2 बजे तक मणिपुर में पहुंच जाऊंगा स्टेशन पे, और वहां पे किसी ना किसी को तो भेजेंगे मुझे बुलाने के लिए, और कोई ना कोई आएगा तो मैं अपने क्लिनिक पे चला जाऊंगा। ठीक वो ऐसा ही सोचते हैं, अपने घर से निकलते हैं। जब अपने घर से निकल रहे होते हैं तो उनकी वाइफ उनको मना करती है, बोलती कि रहने दो, आप कोई और डॉक्टर वहाँ पे संभाल लेगा, मुझे थोड़ा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप रात में अकेले जाओगे उस गांव में उस जगह पे, और वहाँ पे पता नहीं कैसा माहौल होगा 1-2 बजे का, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं मिली तो, अगर वो लेने नहीं आया तो क्या होगा, कैसे मतलब आप सब कुछ मैनेज करोगे। उनकी वाइफ मना करती है लेकिन वो नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि नहीं पेशेंट की बात है, कोई सीरियस कंडीशन में है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अपने घर से निकल जाते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन की ट्रेवलिंग करके वो रात के 1:30 बजे करीब मणिपुर स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। और जो वो टाइम था वो ठंड का टाइम था, वो टाइम पे बहुत ही ज्यादा कोहरा भी गिरता था और एकदम कपकपी वाली ठंड होती है ना, जब ठुठुरने वाली, उस टाइप की ठंड वहां पे पड़ रही थी। तो इनको बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है, स्टेशन पे उतरते हैं, सोचते हैं कि इतना ज्यादा कुहारा है, कोई आया क्यों नहीं लेने के लिए। स्टेशन में थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद किसी को इधर उधर आंख घुमा के देखने की कोशिश करते हैं, उनको कोई भी दिखाई नहीं देता है। तो वहां पे सोचते हैं कि मैं काम करता हूँ, थोड़ी दूर आगे स्टेशन से बाहर निकल के जाता हूँ, देखता हूँ कोई ना कोई तो गाड़ी वाला या कोई ना कोई जाने का तैयार हो जाएगा तो मैं अकेले अपना सामान लेके चला जाऊंगा। जब वो स्टेशन से ऐसे निकल ही रहे होते हैं, स्टेशन के बाहर साइड वाले एरिया में ही एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे 3-4 लोग आग जला के बैठे हुए थे, आग जला के बैठ के आग से अपना हाथ वाथ सेक रहे थे, जैसे ठंड के टाइम में मोस्टली गांव में शहर में कहीं पर भी जहां पे ठंड होती है बहुत ज्यादा तो लोग आग जलाते हैं और बैठ के सेक रहे होते हैं, तो वो लोग भी ऐसा ही कर रहे थे। वो सोचते हैं कि यार ठंड तो बहुत लग रही है, एकदम हालत खराब हो रही है, एक काम करता हूँ मैं भी जाता हूँ, थोड़ा सा आग से हाथ वाथ सेक लूंगा, थोड़ा फेस गर्म कर लूंगा तो ट्रेवलिंग और आसान हो जाएगी। और जो आदमी आने वाला था शायद वो बाइक से ही आने वाला था, तो बाइक से जाने में और ज्यादा ठंड लगती वो टाइम पे। तो वो आगे बढ़ रहे थे उस पेड़ के पास, और उस पेड़ के पास पहुंचने ही वाले होते हैं, उनके पीछे उनके यहाँ पे कंधे पे किसी का ऐसे हाथ टैप होता है। वो सोचते हैं कि ऐसे डर जाते हैं कि पीछे से अचानक से किसने टच किया। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक आदमी खड़ा था जो बोलता है कि सर आपका नाम ये है, मुझे आपको यहाँ पे लेने के लिए भेजा गया है आपके क्लिनिक पे ले जाने के लिए। तो बोलते हैं हाँ मैं ही, मेरा नाम ही है। हाँ वो एक्चुअली काम करते हैं अपन कि वो जो लोग वहाँ पे आग जला के बैठे हुए ना, वहाँ पे थोड़ा सा आग सेक लेते हैं और उसके बाद अपन लोग निकल जाएंगे क्लिनिक के लिए। तो वो आदमी बोलता है क्या बात कर रहे हो आप, कौन सी आग, कौन से लोग,
वो बोलते देखो ना भाई, ऐसे पीछे मुड़ते बोलते देखो ना भाई, वहीं पे तो है वो पेड़ के सामने 3-4 लोग बैठ के आग सेक रहे हैं। तो वो जो आदमी था वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और ये भी बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी आदमी नहीं बैठा था और कोई भी आग नहीं जल रहा था। ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि ये मेरे माइंड का इल्यूजन कैसे हो सकता है। चलो ठंड भी लग रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन ऐसा मुझे कैसे दिख सकता है कि 3-4 लोग दिख रहा है मुझे क्लियर, उनका फेस भी समझ में आ रहा है, आग बैठ के ताप रहे वो भी समझ में आ रहा है, लेकिन वो लोग तुरंत 2-1 मिनट के अंदर सब कुछ आग लेके कहां गायब, कैसे गायब हो सकते हैं, इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये इनकी सिट्टी पिट्टी बिल्कुल गुल हो जाती है। वो जो आदमी था वो बोलता है कि एक काम करो, आप यहाँ पे बेंच है स्टेशन के पास वहां पे बैठो, मुझे जो रेलवे का रूम है वहां पे मेरा कोई फ्रेंड है, उससे उसको कुछ देना है, उसके घर वालों ने दिया है, वहां पे जॉब करता है, तो उसके घर वालों ने कुछ खाने पीने की चीज दिया, उसको मैं दे के आता हूँ, वो आदमी बोलता है इनसे। तो जो डॉक्टर साहब थे वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं बैठता हूँ बेंच पे। वो बहुत सोचने की कोशिश कर रहे थे कि ये मेरा कैसा इल्यूजन था, लेकिन वो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो आदमी चला जाता है जो अपने गांव का उसका दोस्त था, उसको खाना देने के लिए, जो स्टेशन में जो रेलवे का रूम होता है उस रूम में देने के लिए। उसके बाद ऐसे बैठ के सोच ही रहे होते हैं बेंच पे, वापस से उनकी नजर जाती है वही पेड़ के पास, जिस पेड़ के पास लोग बैठे हुए थे, वापस से उन्हें वहां पे 3-4 लोग दिखाई देते हैं आग सेकते हुए। अब ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं, ये बस देख ही रहे होते हैं कि 3-4 लोग आग सेक रहे हैं, उनकी बॉडी अचानक से बहुत बढ़ने लगती है, वो लोग बहुत लंबे होने लगते हैं, मतलब उनकी हाइट जैसे पहले नॉर्मल हाइट के बहुत कम हाइट दिखाई दे, ऐसे लग रहा था कि बच्चे टाइप, मतलब जैसे बच्चों की हाइट होती नॉर्मल है वैसे टाइप बड़े बड़े यंग लोग दिखाई दे रहे थे, और अभी अचानक से 8-8 फुट 9-9 फुट के हो गए। उनको समझ में नहीं आता है ये क्या चल रहा है, ये सब कुछ सोचते हैं। अभी सोचते कि नहीं भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मुझे जाके थोड़ा और करीब से देखना चाहिए, मेरा इल्यूजन तो नहीं, आखिर क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो सोचते कि मैं जाता हूँ पेड़ के पास, मैं पता लगा के रहूंगा कि क्या मेरे दिमागी उपज है या सच में वहां पे कोई बैठा है। वो जाहिर है होते हैं पेड़ के पास पहुंचने ही वाले होते हैं, वो आदमी आता है और जोर से उनको ऐसे झकझोरता है और बोलता है क्या कर रहे हो आप, कहां जा रहे हो। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मैं अभी वापस से फिर से मैंने उस पेड़ के पास देखा 3-4 लोगों को आग सेकते हुए, और तुम भी देखो, तुमको क्यों नहीं दिखाई दे रहे वो लोग। वो जब आदमी पेड़ की तरफ देखता है बोलते है कहां है कोई, आप कैसे बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, आप मुझे नहीं लगता था कि आपको भूत प्रेत ऐसी चीजों पर विश्वास होता होगा, क्योंकि डॉक्टर लोग मोस्टली भूत प्रेत विश्वास नहीं करते हैं। तो बहुत डॉक्टर साहब बहुत डर जाते, बोलते नहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, मेरे दिमाग का एक खेल नहीं, मेरे दिमाग की उपज नहीं हो सकती दो तीन तीन बार देखना, और उनकी हाइट लिटरली मेरे सामने बढ़ रही थी और वो अजीब से भयानक दिखाई दे रहे थे। तो वो आदमी बताता है कि डॉक्टर साहब आपका कोई वहम नहीं है, वो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो स्टेशन है ना, इस स्टेशन के पास में ही पीछे साइड ही एक शमशान घाट हुआ करता था कुछ साल पहले, जब ये स्टेशन अच्छे से नहीं बना था और वहां पे लोगों का लाश वाश जलाना, अंतिम संस्कार करना, ये सब चीजें करते थे वहां पे, और उसी के बाद जब सब कुछ वो वहां से शमशान घाट वगैरह हट गया और स्टेशन वगैरह बन गया अच्छे से, उसके बाद बहुत सारे लोगों को ऐसे अजीबोगरीब लोग स्टेशन पे रात के टाइम पे दिखाई देते हैं, और कुछ लोगों की तो हार्ट अटैक से वहां पे डेथ भी हो गई है, क्योंकि कुछ ऐसी आत्माएं रहती है वहां पे जो लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। आप तो लकी थे और मैं बहुत जल्दी आपके पास आ गया जो आप बच गए, अगर आप उनके करीब जाते उनसे बात करने की कोशिश करते या आप कैसे भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते उनसे तो शायद आप नहीं बच पाते। डॉक्टर साहब पूरे पसीना पसीना हो गए थे उतनी ज्यादा ठंड के मौसम में, जिस मौसम में इंसान एकदम वो हो जाते हैं बिल्कुल बर्फ बन जाता है, उस मौसम में वो पसीना पसीना हो गए थे, इतने ज्यादा डर गए थे। और उन्होंने उस दिन मान लिया कि हाँ होते हैं भूत प्रेत, आप मानोगे, आप देखोगे तो ही मानोगे, आप नहीं देखोगे तो नहीं मानोगे। उसके बाद अपने क्लिनिक पे जाते हैं
और जिसके ट्रीटमेंट के लिए आए उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और उसके बाद से कभी भी मणिकपुर के पास जो स्टेशन था वहां पे रात के टाइम में वो नहीं आए थे। कितना भी इमरजेंसी हो, पास के दूसरे डॉक्टर वहां पे जाके ट्रीटमेंट करते थे, लेकिन ये उसके बाद कभी भी रात में वहां पे ट्रेवल नहीं किए और अपनी वाइफ को बताए सारी चीजें। और आज उनके बच्चे भी जानते हैं, जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लिख के भेजे, जो सच्ची घटना है, बहुत दिल दहला देने वाली सच्ची घटना है। स्टोरी बोलना तो बहुत ही ज्यादा गलत होगा, क्योंकि उनके साथ जो घटा था, मैं इमेजिन कर सकती हूँ कितना ज्यादा खौफनाक मंजर होगा वो, क्योंकि सेम टू सेम मैंने भी देखा था एक बार। जो स्टोरी आप लोगों को मैंने बताया होगा या नहीं बताया होगा नहीं पता, मैं शायद अगले वीडियो में बता दूंगी। मैंने और निखिल ने दोनों ने फील किया था और देखा था साथ में ही, तो वो तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी किसी और वीडियो में। और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के और पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। चलिए कल वापस एक अच्छी सी वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।